ब्लॉग्स में, तो आज लगा लिया मैंने माइक, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन थी कि आपके ब्लॉग में, आपके वीडियो में भाई इसकी बाहर की वॉइस बहुत ज़्यादा आती है, सॉरी मेरी जवान सी चल गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज माइक लगा के, माइक मेरे पास जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था पिछले साल उससे पहले का ही रखा हुआ था, तो मैंने इसको कई बार बहुत कम यूज़ किया हुआ है, आज मैंने सोचा चलो इसको यूज़ किया जाए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है मिंत्रा कुर्ता सेट रिव्यू। मेरे हस्बैंड ने एक मेरे पसंद का मेरे लिए तो कुर्ता सेट ऑर्डर किए थे, उन्होंने ही ऑर्डर किए थे, उनके फ़ोन से ही ऑर्डर किए थे, बिकॉज उनके फ़ोन में एक तो फर्स्ट ऑर्डर था तो हमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा था, तो इसलिए हमने ऑर्डर किए। जो आज का कुर्ता सेट है वो समर्स के अकॉर्डिंग है, समर्स के लिए है, विंटर का नहीं है वो, क्योंकि इतना सस्ता नहीं मिल पाएगा आपको। अंडर 500 होने वाला है दोनों कुर्ता सेट, 500 से भी कम का मिलेगा आपको। एक है 484 का, 484 का, और एक मुझे सही प्राइस का याद नहीं है। ब्रांड मैं आपको बता दूँ, विशुद ब्रांड है दोनों ही, और दोनों ही कुर्ता सेट बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक तो इतना ब्यूटीफुल है कि आप उसको छोटी सी बर्थडे पार्टी या छोटा सा कोई पार्टी फंक्शन है उसमें भी डाल सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अब तक नहीं पहना है। तो ये है वो कुर्ता सेट जिसका मैंने अभी अपने ब्लॉग में अनबॉक्सिंग वीडियो भी शेयर किया था, तो मैंने सोचा चलो इसका फुल रिव्यू आप लोगों को दिया जाए। तो एक मैंने पहन लिया था न्यू ईयर वाले दिन, उसको भी दिखाऊंगी मैं। अभी मैंने उसको वॉश कर दिया है, मुझे कई लोगों ने बोला इसका प्रिंट निकल जाएगा धोने के बाद देखना आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो इसको मैंने पहना नहीं है, जैसे ही मैंने इसको अनबॉक्स किया था वैसे ही मैंने इसको पैक कर दिया था देखने के बाद। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको उसका दुपट्टा। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जो कलर है मर्जेंटा कलर में आपका सूट आएगा। दुपट्टा है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, बनारसी दुपट्टा मिलेगा आपको। कलर देखो, गोल्डन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है ये, मरून टाइप का, ऐसे छोटी छोटी सी डिजाइन वाली लड़ियाँ जो होती है धागे की, उसका काम भी मिलेगा आपको दुपट्टे में। विड्थ इसकी थोड़ी सी कम है, मतलब इतनी विड्थ है जैसे नॉर्मल दुपट्टे की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है चढ़ाई, वैसी नहीं है इसकी, इतनी है कि आप कंधे से और यहाँ तक ऐसे ले सकते हो, इतनी है। और लेंथ काफ़ी अच्छी है दुपट्टे की, लेंथ में कोई इशू नहीं है, लेंथ बहुत ही अच्छी है, और ज़्यादा फिस करने वाला भी, जो फिसलता है कपड़ा बनारसी, कई बार कपड़ा होता है ना हमारे कंधे से फिसलता है दुपट्टा है, वैसा भी नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कुर्ता। नेक्स्ट है इसका कुर्ता, इसमें 2299 इसका प्राइस दिखाया हुआ है, ये देख लो, ब्रांड भी देख लो आप लोग, विशुद ब्रांड है ये, ब्रांड देखो आप लोग, विशुद है ब्रांड का रंग कुर्ते का कलर। ओह माय गॉड, मुझे सच में इतना पसंद आया ना ये कुर्ता सेट, मुझे बहुत पसंद आया। बस मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मैंने इसमें प्लाजो ऑर्डर कर दिया, अगर इसका पैंट प्लाजो होता तो ज़्यादा बेस्ट होता मेरे लिए। लेस की डिटेलिंग इतनी अच्छी है और क्वालिटी इतनी अच्छी है इस लेस की, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब बहुत ही अच्छी डिटेलिंग, अच्छी लेस है, मतलब क्वालिटी, लेस की क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ करी हुई है। तो देखो आप, एक साइड डिज़ाइन का प्लेन है, दूसरी साइड इसमें डिज़ाइन दिए हुए हैं ऐसे कॉर्नर वाले, ये पूरी चेस्ट में मिलेगा आपको। देन इसकी बाजू में भी आप देख सकते हो लेस, और कपड़ा इसका इतना अच्छा है कि आप इसको विंटर में भी वेयर कर सकते हो और समर्स में भी वेयर कर सकते हो। बस ये कि मैंने साइज में बता देती हूँ, मेरा एल साइज है और ये मुझे लूज है, एल साइज भी मुझे लूज हो रहा है, थोड़ा सा मुझे इसको फिटिंग करना पड़ेगा। बस मैं जो बड़े चाक होते हैं उनके सूट नहीं पहनती, तो इनके चाक थोड़े से बड़े हैं दोनों सूट के, तो मुझे इसको खुलवा के ठीक करवाना पड़ेगा। यहाँ पे जो चाक होता है साइड का, ये वाला जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। कुर्ता देख लो आप, इसका लुक वुक भी मैं आगे दिखा दूँगी आपको, जो मैंने अपने ब्लॉग के लिए अनबॉक्सिंग करा था इसको, तो मैंने पहन के देखा था। और ना मुझे ना बड़े गले पहनना पसंद नहीं है पैक के, मेरे अकॉर्डिंग ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रंट का गला भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, कई बार नेक बहुत ज़्यादा आपका हाई होता है तो अच्छा नहीं लगता वो पहनने में, खुद को भी नहीं अच्छा लगता और सामने वालों को भी नहीं अच्छा लगता। देन थर्ड नंबर पे है इसका प्लाजो। अभी मैंने इसका वो भी नहीं निकाला, टैग वगैरह नहीं निकाला इसका, क्योंकि मैंने इनको अभी वेयर ही नहीं किया तो क्या निकालना, इसलिए नहीं निकाला। जिस दिन वेयर करूँगी उसी दिन निकालूंगी।
प्लास्टिक देखो आप और चौड़ाई देखो प्लाजो की, प्लास्टिक भी अच्छी वाली यूज़ की है, ऐसा नहीं है कि हाँ सस्ता है तो बेकार वाली यूज़ की हुई है, नहीं। और ये प्लाजो है, प्लाजो का हाँ मुझे आसन भी मतलब जो होता है ये आसन भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे से मतलब एक्सल वाला जो इंसान है उसको भी आ जाएगा ये, मतलब एल साइज का है मेरा प्लाजो, मतलब पूरा सेट मैंने एल मंगवाया है। प्लाजो की घेर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ज़्यादा घेर भी नहीं है इस प्लाजो में, कई बार होता ना घेर वाला प्लाजो किसी को पसंद नहीं आता, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप इजीली इसको पार्टी फंक्शन में वेयर कर सकते हो, घर पे भी वेयर कर सकते हो, समर्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, प्लाजो सिंपल मतलब यहीं से सिलाई लगी होती, दूसरी साइड से सिलाई नहीं लगी होती, इसमें दोनों साइड से सिलाई लगी हुई है, ये आपकी साइड वाली सिलाई आ जाएगी जो इस साइड आती है, चाक वाली साइड आती है वाली सिलाई, और ये दूसरी सिलाई आपकी ये आसन वाली जो होती है जोड़ने के लिए, ये जोड़ वाली सिलाई है आपकी। गाइस सेकंड कुर्ता मेरा ये है, ये भी विशुद्ध ब्रांड का है, इसमें मुझे एक चीज़ बेकार लगी, ये जो अंदर होता है कपड़ा गले का, इसमें कोई तुरपन नहीं है, कोई सिलाई नहीं है, तुरपन बोलते हैं ना तुरपाई बोलते हैं, जो तुरपाई होती है अगर इसकी तुरपाई होती तो काफ़ी अच्छा होता, बस क्या बोलते हैं पीको करके कपड़ा छोड़ दिया है, इसे मुझे खुद से तुरपाई करनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ इसके अंदर बुरी लगी। इसका भी चाक जो है वो बहुत बड़ा है, मैं छोटे चाक के सूट पहनती हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अभी वीडियो में, तो इसको धोने के बाद मतलब ये ऐसा हो गया कि आप इसको विदाउट प्रेस करें ना तो घर पहन सकते हो ना बाहर पहन के जा सकते हो, इसका कपड़ा उससे हल्का है, मतलब समर्स के हिसाब से ये भी तो बेस्ट है आपको घर में पहनने के लिए, बाहर पहन के नहीं जा सकते आप इसको, मतलब किसी पार्टी फंक्शन के लिए नहीं है ये, घर पहनने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। सब ने बोलता इसका प्रिंट निकल जाएगा, पर इसका प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ, मैंने इसको धोया वॉश किया कुछ भी नहीं हुआ, इसको नीचे भी इसका ऐसी प्रिंट दे रखा है। बाजू की जो लेंथ है वो भी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कुर्ता भी, मैंने न्यू वाले दिन पहना था, मैं पिक्चर साइड में मेंशन कर दूंगी, और इसका लुक वो क्या जो मैंने पहन के दिखाया था वो भी मैं दिखा दूंगी आगे आपको वीडियो में। ये बाजू की लेंथ है आपकी, ये प्रेस करना पड़ेगा तब जाके आप नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम डाल सकते हो। इसका प्लाजो सेम वैसा ही है, इसमें भी इलास्टिक जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है, सेम वैसा ही प्लाजो जैसा वो है, साइड में सिलाई के भी और जो जोड़ने वाली सिलाई वो भी है, बस ये है कि आप इसको प्रेस करोगे तब पहनोगे। इसकी चौड़ाई ये है और साइड नीचे डबल कपड़ा लगा रखा है, कुर्ते का भी कपड़ा लगा रखा है प्लाजो में नीचे, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक बनाने की कोशिश करी है इसको प्लाजो को, दुपट्टे की विड्थ लंबाई सब कुछ मतलब अच्छी है। ये है इसका दुपट्टा, तो जी गाइस मैंने आपको दोनों सूट का रिव्यू जो है वो दे दिया है, दोनों सूट में से आपको कौन सा सूट बेस्ट लगा, कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, और जिन जिन को ये सूट बाय करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट करके बाय कर सकते हो, और बताना ज़रूर किसको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, ये लाइट कलर वाला या डार्क वाला, मुझे तो डार्क वाला ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है, और ये वाला मैं सोच रही थी मैं रिटर्न कर दूंगी, बट मैं अपने मायके गई हुई थी, मैंने 3-4 दिन बाद आके देखा था, तो फिर मेरा मन नहीं किया रिटर्न करने का, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं इतना महंगा भी नहीं है पहन लेते हैं, तो मैंने इसको एक बार डाल लिया है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब डालते हैं, और इस वाले सूट कब देखते हैं कब मुहूर्त निकलता है कब डालते हैं इसको,
तो जी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे जो भी नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे प्यारी से एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। कमेंट डाउन जरूर करना कि आपको ये दोनों सूट में से कौन सा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा, और दोनों को बाय करना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।